हेलो, वेलकम टू कुहूस किचन डिलाइट आर्ट ऑफ मेकिंग फूड। आज मैं मेरे किचन में बनाने जा रही हूँ चाइनीज चिकन। देख करके ही कितना यमी लग रहा है, तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ चाइनीज चिकन। इसके लिए मैंने 1 केजी चिकन मैं यहाँ ली हूँ और इसके छोटे छोटे पीसेस हम किए हैं। अब हम इसको बॉयल कर रहे हैं पानी में नमक के साथ। तो इसको अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल होने के लिए देते हैं। तो चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे तरह से बॉईल हो चुका है। मैंने लगभग 15 मिनट से बॉईल किया है और अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये कॉर्नफ्लोर है, इसमें हम 2 अंडा मिला लेंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से हम कैप्सिकम, प्याज और मिर्ची को काट के रखे हैं। ये कॉर्नफ्लोर के साथ हम लोगों ने इसको डिप किया है, अब डीप फ्राई करेंगे। इसको डीप फ्राई कर लेना है चिकन को। इसी तरह से सभी चिकन को हम इस एग और कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप करेंगे और फिर इसको डीप फ्राई करेंगे। इस तरह से फ्राई करके सारे चिकन को हम लोग निकाल लेंगे और फिर इसको हम आगे का प्रोसेस फिर करेंगे। तो पूरा हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। तेल में अब हम लोग कैप्सिकम और प्याज तेल में दिए हैं, थोड़ा फ्राई करेंगे। ये टमाटर प्यूरे, मैंने टमाटर को थोड़ा सा हल्का सा बॉईल करके उसका छिलका उतार करके पेस्ट मैं इसका बना ली हूँ। और ये हरी मिर्च, अब इसमें जा रहा है सॉस, टमाटो केचप, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड हो रहा है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा चिकन मसाला हमने इसमें ऐड किया है। अब इसमें थोड़े देर तक फ्राई करना है अच्छे से। तो इसी तरह से हमें थोड़ी देर तक फ्राई करना है। तो बस हमारा जो चाइनीज चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा सर्व के लिए। चिकन रेडी हो चुका है, तो चलिए चेक करके देखते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।